सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ अपने पीजी में गाइस, और आज है संडे, तो अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, तो अभी लंच टाइम है, तो अभी लंच करने जा रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारे आज के कुछ प्लान्स हैं, तो क्योंकि आज संडे है तो लंच में आज होगा चिकन, तो अपना लंच लेकर आते हैं पहले। तो गाइस प्लान्स कुछ ऐसा है कि आज संडे है और कल मंडे, यानी कल से कॉलेज है हमारा रेगुलर, तो आज जाना है सालन थोड़ा हेयर कट वगैरह कराने, और पीरियड्स वगैरह ठीक कराएंगे आज। उसके बाद आज तो जिम है नहीं, संडे है, रेस्ट डे है हमारा आज, तो अभी पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग सैलून। क्योंकि गाइस घर से दूर हूँ तो डाइट भी थोड़ा फॉलो करना पड़ता है जितना हो पाता है। घर पे तो मम्मी खाना दे रही थी, यहाँ पे खुद से सब कुछ करना पड़ता है। तो कल रात नहीं मैंने ये डाल दिया था, ये छोला और राजमा है, तो इसको आज बॉईल करेंगे। और ये कुछ मेरा स्टैक है खाने का जो काम आता है रोज़, क्योंकि प्रोटीन वगैरह कार्ब्स सब कुछ पूरा करना होता है, तो पूरा होल फूड्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं, बट कभी कभी आपको थोड़ा बॉईल खाना पड़ता ही है। जैसे कल रात मैंने बॉईल चिकन बनाया था, कुकर है मेरे पास तो इजी हो जाता है कुक करना, और बाकी पीजी से मिल जाता है जो रोटी वगैरह रहता है, इसीलिए राजमा और छोला मैंने भिगो दिया था कल, और आज हम लोग बॉयल करके उसको खा लेंगे, तो वो भी हो जाएगा हमारा। इसको जस्ट अभी 2 दिन पहले ही मंगवाया था मैंने, अनबॉक्सिंग करके मैंने वीडियो डाली भी है शॉर्ट्स में, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। और अभी लंच कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो लंच में आया चिकन ले आया हूँ मैं, और रोटी है, तो आज का प्रोटीन तो हो जाएगा इससे पूरा फर्स्ट मील का हमारा। तो गाइज हो गया है लंच हमारा पूरा, और मैं हमेशा रेगुलरली लंच के बाद ये मल्टीविटामिन और फिश ऑयल लेता हूँ, ये हर कोई भी ले सकता है, बहुत अच्छा होता है ये हेल्थ के लिए। फिश ऑयल तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए, प्लस कोई भी ले सकता है, लाइक अगर आप नहीं भी जिम जाते फिर भी रेगुलरली इसको ऐड करके अपने डाइट में कभी भी खा सकते हैं आप, ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद। मैं आज आप लोग से कुछ शेयर भी करना चाहता हूँ, तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो स्किप मत करना, ठीक है। रुको जरा, सबर करो। तो अभी थोड़ी धूप है इसलिए अभी नहीं जा रहे हैं, थोड़ा शाम होने देते हैं उसके बाद चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। मैं आपको आज जाते हुए रास्ते में ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ से मार्केट भी पास में है, प्लस जिम भी है मेरा जो रास्ते में ही आता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो गाइस जो मैं आप लोग से शेयर करने वाला था कि बैंगलोर में मेरा कितना खर्च हो जाता है अराउंड खाने का, पीने का और रहने वहने का, तो मैं बताता हूँ अभी आप लोग को। होता ऐसा है कि फ़िलहाल मैं भी छत पे आया हूँ, धूप है इसलिए थोड़ी आँखें खुलने में दिक्कत हो रही है। तो जो हमारा यहाँ रेंट वगैरह का सीन है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्लैट ले रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं। स्टूडेंट लोग को तो पीजी प्रेफर होता है बेटर, क्योंकि थोड़ा हेडेक कम होता है, फ्लैट में बहुत सारा चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, तो इसीलिए पीजी में हूँ अभी भी मैं। और फ्लैट में अगर रेंट देखा जाए तो 2 BHK का ऑलमोस्ट 20 टच करते ही है, 1 BHK का 10 से ऊपर रहता होगा, 14-15 तक, 10 तक मान लेते हैं। तो पीजी में जहाँ पे भी हूँ वहाँ पे 3 तरह का वेरिएशन होता है, 3 शेयरिंग होती है, 2 शेयरिंग होता है और 1 शेयरिंग होता है। 3 शेयरिंग जिसमें 3 बेड होते हैं, यानी 3 लोग उस रूम में रह सकते हैं। 2 शेयरिंग में यानी दो लड़के, तो जो मेरा रूम है वो 2 शेयरिंग है, 2 लड़के उसमें होते हैं, एक मेरा दोस्त है जो भी आया नहीं है, वो 1-2 दिन बाद आएगा, और फर्स्ट शेयरिंग यानी सिंगल, वो पूरा रूम आपका है। तो पीजी का पूरे महीने का खर्च निकल जाता है, जैसे 3 शेयरिंग है तो 3 का अलग प्राइस है, तो 2 शेयरिंग का ऑलमोस्ट 8,000-9,000 करीब रहता है। उसमें आपका 3 टाइम का खाना, वाईफाई, घर, वो रूम का बेड अकोमोडेशन सब कुछ मिल जाता है। तो मेरा जो रूम है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। खैर ये हमारे पीजी के छत से व्यू है, कुछ ऐसा है, उतना अच्छा भी नहीं है एरिया, बट बेटर है क्योंकि कॉलेज से पास पड़ता है ये, तो प्रॉब्लम्स नहीं होता है। यहाँ से बस स्टॉप पास में हो जाता है, और वहाँ से सीधे कॉलेज तक हम लोग चले जाते हैं। तो ये छत से व्यू है हमारा, यहाँ पे वो शोभा अपार्टमेंट है जो कि बजट से बाहर का है अभी। कपड़े धोने के लिए यहाँ वॉशिंग मशीन अवेलेबल है, अगर आपको
यूज़ करना है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। वगैरह धोने होते हैं, वॉशिंग मशीन रहता है यहाँ पे, आप धो सकते हैं आराम से, तो वो भी एक दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए अभी भी मैं थर्ड ईयर में आ चुका हूँ, स्टिल अभी भी पीजी में ही हूँ फर्स्ट ईयर से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम कम रखता है करना। आपको पता ही फ्लैट में रहना तो काम थोड़ा बढ़ जाता है। खैर वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, अब सबकी अपनी चॉइस है। तो मैं अभी जो मेरे को सूटेबल लग रहा है मैं वही अभी देख रहा हूँ, क्योंकि जिम वगैरह खाना पीना सब मैनेज करना पड़ता है, कॉलेज पढ़ाई वगैरह, तो अभी ये बैलेंस में लग रहा है ऑप्शन पीजी वाला, इसीलिए अभी भी पीजी में ही रह रहा हूँ। ये गाइस मेरा रूम है, यहाँ डिस्पेंसर होता है तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किचन एरिया है, यहाँ पे कुक वगैरह कर सकते हैं, इंडक्शन है आपके पास तो ला कर बना सकते हो, और अपना सामान वगैरह स्टोर करने के लिए। फिर ये वाला मेरा रूम है टू शेयरिंग, इसमें ये एक मेरे दोस्त का बेड है और एक मेरा ये है, तो ऑलमोस्ट बढ़िया ही है। आप देख सकते हैं कबर्ड है सामान रखने के लिए, इसमें आप अपना रख सकते हैं। फिर यहाँ से कुछ व्यू है ऐसा, और एक बाथरूम है आप लोग का, इधर इधर से बालकनी है गाइस। तो गाइस जहाँ मैं रह रहा हूँ सैंजा लिविंग पीजी नाम है, अगर आप बैंगलोर आते हो तो आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में। तो इसकी बहुत सारे हाउसेज हैं, लाइक अलग अलग हाउसेज, अलग नेम, अलग अलग जगह पे, लोकेशंस पे। तो जो ये वाला लोकेशन है ना, ये वाला सैंजा लिविंग का, ये मेरे कॉलेज से बहुत पास में है, तो मेरे को आसानी होती है यहाँ से कॉलेज जाने में, इसलिए ये वाले ब्रांच में हूँ मैं। और अगर आप अलग वाले सैंजा में जाओगे तो वहाँ इंटीरियर अलग हो सकता है, तो वो तो बात की बात है। प्लस 9000 में जो महीने में रेंट है यहाँ पे, ठीक है, 3 टाइम खाना मिल जाता है, वाईफाई वगैरह सब बढ़िया है, तो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही डील कह सकते हैं। गाइस ये हमारा पीजी का ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया है, यहाँ पे टीवी वगैरह है तो आप कुछ भी देख सकते हैं मतलब अपने अकॉर्डिंग, और खाना वगैरह है यहाँ पे, और इंडक्शन कुक करने के लिए, रेफ्रिजरेटर है कुछ रखना हो आपको तो एक तरह से अच्छा ही है, और अपना थोड़ा गेमिंग भी है इधर। तो एक्चुअली मैं नीचे इसलिए आया था क्योंकि मैंने फ्रिज में अपना अमरूद रखा था, कल लाके मंगवाया था। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है कि आपको बाहर जाना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, तो फ़ोन से ही ऑर्डर करो, फ़ोन से ही मंगा लो, डिलीवरी चार्ज ज़्यादा लगती नहीं, 5-10 रुपये लगता है, तो ले लेते हैं वो पहले, क्योंकि मुझे खाने का मन कर रहा था जी। मंगाई थी साथ में ऑमलेट वगैरह, खाने में काम आ जाता है, एक ले लेते हैं, ज़्यादा ही पक गया लग रहा है ये, ठीक है। बाहर वाला एरिया है हमारा, पार्किंग है यहाँ पे गाइस, आप अपना बाइक वगैरह आपके पास तो आप पार्क कर सकते हैं यहाँ पे, जो सिक्योरिटी वहाँ रहते हैं यहाँ रहते हैं। और ये मेन गेट है हमारा, तो अभी ऊपर चलते हैं रूम में अपने। और गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और शेयर कर दो ये वीडियो को मेरी, जिसको ज़रूरत हो, मे बी वो ढूँढ रहा हो कि कहाँ रहें बैंगलोर वगैरह में। 2000 years later. शाम हो गई गाइस, धूप भी चला गया, तो अभी जा रहे हैं हम लोग। ये इधर नया हुआ है, पता नहीं किस लिए बनाया जा रहा है, इस तरीके से मैं जिम भी जाता हूँ। इधर क्रिकेट चल रहा है लगता है, तो ऑलमोस्ट 10 मिनट लगता है पीजी से पूरा इधर आने में जिम के पास, और इधर ही सब कुछ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा जिम है, और इधर बॉस का भी है, इधर फैक्ट्री वगैरह, फिर उस तरफ जाके मार्केट वगैरह है। कट हो गया गाइस, और अभी पीजी वापस जा रहे हैं हम लोग, देख सकते हो रात भी हो गया। 2000 years. तो पीजी वापस आ गए गाइस, और जो मैं आप लोग से शेयर करने वाला था लास्टली कि कितना एक्सपेंस होता है मेरा पूरे महीने में यहाँ बैंगलोर में, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या करते से। मैं जिम करता हूँ, तो जिम का जो डाइट वगैरह होता है प्लस एक्स्ट्रा जो मेरे को खाना पड़ता है वो सब, तो मिला जुला के वो सब का खर्च
थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लास्ट जिम करता हूँ तो मेरा डाइट थोड़ा डिफरेंट होता है, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है मेरे को, तो थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली उतना ज़्यादा नहीं होता है, मैं भी बेसिक ही डाइट फॉलो करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने वे मंगवाया था उस दिन, तो ये 2.5 kg का मेरा 3 महीना चल जाता है। तो ये ऑन का 2.5 kg का मेरा 3 महीना ऑलमोस्ट चल जाता है। इसका प्राइस 6,800 के करीब पड़ता है। तो एक अच्छा है, क्योंकि 1 महीना वाला भी अगर आप यूज़ करेगा तो 2,000 के आसपास आता है। तो ये 3 महीना चल जाता है मेरा। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो सेविंग्स करके लेना पड़ता है। और ये भी क्रिएटिन भी मैंने मंगाया था अभी हाल फिलहाल में, ये भी ख़त्म हो गया था, ये भी मेरा 3 महीना चल जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो सप्लीमेंट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, आपका 2-3 महीने चल जाता है, तो उसमें इन्वेस्ट करना कोई बुरा नहीं है। और मेरे को नीड है उन सब चीज़ की, क्योंकि घर पे नहीं हो तो डाइट अच्छे से करना होता है, इसीलिए वो लेना पड़ जाता है मुझे। और दूसरी चीज़ कि आप सिर्फ यहाँ पीजी खाने पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, एक्स्ट्रा आपको खाना ही पड़ता है। तो मेरे को ऑर्डर करना पड़ता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया, और जैसे छोला या राजमा, ये सब जो भी है मेरा, पनीर, चिकन, तो ये सब चलते रहता है ऑल्टरनेट डेज पे, सोयाबीन वगैरह। अभी घर से आया था तो मम्मी ने सोयाबीन दे दिया था, तो इसका तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर अभी पम्पकिन, ये सब जो पम्पकिन सीड्स वगैरह होता है, और मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ये सब। तो एक तरह से सब कुछ डाइट में भाई खर्च तो होता ही है, नो डाउट, पर अगर देखा जाए तो 7-8 हज़ार में निपट जाता है महीने का। अगर आप जिम भी जाते हो और अगर आपको बेसिक डाइट फॉलो करना है, तो आपका 5,000 में भी हो जाएगा काम, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। पीनट बटर हो गया, ओट्स हो गया, दूध वगैरह, ब्रेड, तो ये सब 5,000 में हो जाएगा। क्योंकि मैं वे लेता हूँ तो किसी किसी महीने ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो अगर एवरेज लेकर चले तो 7-8 हज़ार बहुत है, 7-8 हज़ार में हो जाएगा काम तुम्हारा भाई। अगर ज़्यादा खर्च नहीं करते हो तो 7-8 हज़ार में हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। सेव करके इन्हीं सब में लगा देता हूँ, वे, क्रिएटिन, जिम का सारा, डाइट वगैरह जो रहता है। फिर जिम का फीस अलग हो गया, तो वो भी मैं मंथली का नहीं करता हूँ, 6 मंथ का करता हूँ, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर तुम भी। तो भाई एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने में पैसे तो लगते ही हैं, वो तो पता ही है आपको, जिम वाले बंदे हो तो जो जिम वाले हैं वो रिलेट कर सकते हैं कितना खर्च होता है। बात तो सही है। और क्योंकि गाइस अभी गेनिंग चल रहा है, तो घर पे तो मिक्सर ग्राइंडर था, यहाँ पे वो भी नहीं है, उसी का एक बहुत बड़ा दिक्कत है। क्योंकि स्मूदी बेस्ट है गेनिंग के टाइम पे, मेरे को बहुत हेल्प किया है वो चीज़, मेरे को ही पता है। तो गेनिंग पे हो तो स्मूदी ज़रूर ऐड करो डाइट में। तो अभी देखते हैं मिक्सर ग्राइंडर कैसे आएगा, उसके लिए भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि वो खरीदना है। तो गाइस अभी अपना प्रोटीन पूरा कर लेते हैं, क्योंकि रेस्ट डेज में भी बॉडी को प्रोटीन देना इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं अपना वे पी लेता हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ यूज़फुल लगा होगा जानकारी ये सब। तो अगर आप नए आए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना गाइस, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्त यारों में। तो मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना, स्टे हेल्दी एंड बाय।